नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के अभियान के तहत अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किए अवैध हथियार। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि पछाए गांव थाना प्रभारी बेचैन सिंह ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की। हथियार फैक्ट्री संचालक समेत दो किए गए गिरफ्तार। निर्मित और अर्धनिर्मित 10 अवैध तमंचे, 20 जिंदा कारतूस और 12 खाली खोखा किए गए बरामद। हथियार फैक्ट्री संचालक पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हथियार फैक्ट्री को बरामद करने वाली पुलिस टीम को 5,000 का एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने दिया इनाम। चुनाव के दृष्टिकोण से पूरे जनपद में जितने भी थाने हैं वहाँ चेकिंग कराई जा रही है। तो पछाए गांव पुलिस ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। 2 अभियुक्तों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। ये अवैध असलहे बनाने की एक छोटी फैक्ट्री ये सब चला रहे थे, और ये जो अवैध असलहे बनाए जाते हैं उसके पूरे कैसे बनाए जाते हैं उसके सब सामान बरामद हुआ है। 8 अवैध निर्मित असलहा बरामद हुआ है, 2 अर्धनिर्मित असलहा बरामद हुआ है, 20 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और 12 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। ये अलग अलग हैं, 315 बोर का है, 12 बोर का है, और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक के खिलाफ 10 अभियोग पंजीकृत हैं और दूसरा अभी नया है। पूरे पछाए गांव पुलिस ने इसमें एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, और ये पूरे जनपद में हम लोगों का अभियान चलता रहेगा। इसमें अवैध शराब के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध असलहों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसी के तहत ये सफलता मिली है। क्या इस पूरे मामले में और भी कोई आरोपी बातचीत? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन अभी ये प्रयास किया जाएगा कि ये कहाँ सप्लाई होती थी, कैसे होती थी। ये संज्ञान में आया है कि कुछ बाहर के जनपदों में भी ये भेजा गया है, इस बारे में भी जानकारी किया जाएगा, और इस चीज़ को अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इस पर जब सफलता मिल जाएगी तो उसके बाद। जी सर, पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली होगी कि ये आरोपी कब से ये काम जो कर रहे थे? नहीं, ये तो काम काफ़ी समय से पहले तो अवैध असलहे का ये बेचने का काम करते थे। इसके बाद चूँकि चुनाव सन निकट हो रहा था तो इन्होंने इसको बनाने का धंधा शुरू किया था, उसी के तहत सफलता मिली है। सर, इसकी सप्लाई कहाँ हो रही है, कुछ पता चला? नहीं, अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इटावा में और अगल बगल के जनपदों की बात आ रही है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ सप्लाई हुई है।